हमारे माता पिता हमें बचपन से ही हम पर संस्कार करते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, सदाचार, सद्भावना, उसी तरह ईमानदारी भी एक संस्कार होता है कि हमारे माता पिता हमें बचपन से ही लोगों के साथ ईमानदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए, यही शिक्षा देते हैं। उसी तरह सुनील शास्त्री द्वारा लिखा गया ईमानदारी की प्रतिपूर्ति, ये पाठ के द्वारा हम ऐसे ही हमारे देश के जाने माने भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी कि ये हमारे सामने एक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति रखते हैं। सबसे पहले हम सुनील शास्त्री जी का परिचय लेंगे। उनका जन्म 1950 में हुआ। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। वो एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी थे। आपको कविता संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष उनको लगाव रहा है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर उन्होंने अपने विचार पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त किए हैं। उन्होंने लिखी हुई कुछ कृतियां, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, गद्य संबंधी प्रस्तुत संस्मरण, संस्मरण यानी यादें, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई पर दुखकारकता आदि गुणों को बड़े ही अच्छे ढंग से लेखक ने इस कहानी द्वारा उजागर किया है। आप सभी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक नारा दिया था कि जवान और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान और जय किसान का। आइए हम देखते हैं ईमानदारी के प्रतिपूर्ति द्वारे लाल बहादुर शास्त्री जी का चरित्र। धन्यवाद।